अमृतसर ग्वाल मंडी इलाके दे विच अचानक गोलियां चल पईयां। उस वेले जदों सीवरेज की सफाई हुंदी पई सी, दो पार्टियां इस विच इनवॉल्वड ने। एक पासे आम आदमी पार्टी का नाम आ रहा, दूजे पासे कांग्रेस का नाम आता पिया। दस दईए कि इल्जाम लग रहे ने कि आम आदमी पार्टी दे आगू दे भरा नूं गोलियां मारियां गईयां ने। आम आदमी पार्टी का आगू है जिसका नाम डिंपल अरोड़ा दस्या जा रहा, उसका भरा अमन उर्फ रिंकू, उसनू गोलियां मार दित्तियां गईयां, शरेआम गोलियां मारियां गईयां। इल्जाम लगते पे ने कांग्रेस के काउंसलर के उत्ते। कांग्रेस पार्टी का काउंसलर जिहड़ा अमृतसर वार्ड नंबर 65 दे विच सी, उस दे उत्ते इल्जाम लगते पे ने। साबका काउंसलर हैगा, साबका काउंसलर कांग्रेस पार्टी नाल तल्लुक रखता है। 65 नंबर वार्ड अमृतसर का ग्वाल मंडी इलाका हैगा, उत्थे वारदात वापरी है जदों सीवरेज की सफाई चलती पई सी। उस वेले अचानक लड़ाई हो गई, तूतू मैमे शुरू हो गई और उस तूतू मैमे तो बाद अचानक गोली चल गई है। दस्या जा रहा है कि अमन उर्फ रिंकू जिहड़ा है वह गंभीर जख्मी है। हमले तो बाद उसनू एक निजी हस्पताल दे विच दाखल किया गया, जबकि उसके आम आदमी पार्टी के आगू भरा जिसका नाम डिंपल अरोड़ा है उस वालों सीधे इल्जाम लगाए गए हैं कि कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा साबका काउंसलर हैगा उस दे वालों ते उस दे समर्थकों वालों उत्थे आ के हल्ला किया गया। उन्होंने नाल तूतू मैमे की गई। उस तो बाद कांग्रेस पार्टी के साबका काउंसलर उत्ते यह इल्जाम लगाया कि उसने अपने साथियों नाल मिलकर गोली चला दी और वह गोली जिहड़ी है वह उसके भरा नूं लगी है, रिंकू नूं लगी है, और वह गंभीर जख्मी होने तो बाद हस्पताल दे विच दाखल जेरे इलाज है। खैर इस पूरे मामले नूं लैके विवाद भखिया होया सी, दो पार्टियां अचानक आमो सामने हो गई, खूनी झड़प हुई, जिस तो बाद हुण पुलिस वालों बयान दिता गया। अमृतसर पुलिस वालों इस बारे पुख्ता बयान साझा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बाकायदा और इस बारे जानकारी साझी की गई। आखिर सीवरेज की सफाई को लैके विवाद क्यों खड़ा हो गया, क्यों सीवरेज की सफाई को लैके दो पार्टियां आमो सामने हो गई, जो भी जानकारी पुलिस ने साझी की है आप तुम सुना दें। कैंट थाने के एरिए पुतली घर एरिए अज शाम के टाइम एक झगड़ा होया सीगा शिमला मार्केट है, ये सीवरेज के सफाई दे उत्थे गड्डी आई सी, जिस कारण उत्थे जदों सीवरेज की सफाई चल रही सी एक होर पार्टी भी उत्थे मौके दे उत्ते आई, जिहदा कारण आपस विच उन्हां दी फोटो खिचाउण तों कोई झगड़ा हो गया ते जिहदे विच फिर उत्थे जिहड़ा आ गोली चली। और इहदे विच मैं दसना चाहुंदा कि साडे उस एरिए दे SHO कैंट और ACP कमलप्रीत जिहड़े इन्हां ने जिहड़ा मौके दे उत्ते ही इमीजिएटली जा के और जिस बंदे ने गोली चलाई आ उहनूं असीं अरैसट कर लिया और वह वैपन भी ले लिया बरामद कर लिया और यह लाइसेंसी वैपन सीगा। और इतने दो फायर किए गए, जिहड़ा एक फायर तो हवाई फायर से, दूजा फायर जिहड़ा आ वो इन्होंने थले मारिया और जिहदे नाल उस बंदे दे जिहड़े नलां दे लागे सट लगी है और वह बंदा ठीक आ, उहदी हालत ठीक आ और बंदा असीं जिहड़ा अरैसट कर लिया। यह जिहड़ा बंदा फड़िया जी यह हैगा जी हरप्रीत इलियस हरमन आ, कोई करीब 25-26 साल की उम्र आ और यह भी उत्थे जिहड़ा आ गली नंबर 4 रणजीतपुरे का रहने वाला और ये बंदा उत्थे सीगा। इहदे नाल जदों उत्थे लंघ रहा सी ते झगड़ा हो रहा सी ते इह वी नाल उस झगड़े दे विच जदों गया ते उत्थे आपसी जदों गुत्थम गुत्था होया ते इन्हां ने अपना जिहड़ा अपना वैपन कढ के गोली चलाती। पार्टी दा हुण सारा वेरीफाई करदे आ जी किहड़ी पार्टी आ किहड़ी नाल संबंध रखदे आ, लेकिन इह आ वी जो वारदात होई आ उहदे विच पुलिस ने जिहड़ा आ 2 घंटे दे विच ही ठीक है, कोई भी होवे जी जो कोई भी कोई जुर्म करदा आ जां कोई भी कानून नूं हत्थ च लैंदा आ तां उहदे ते जिहड़ा सख्ती नाल कारवाई होई आ। हुणे असीं इहदे ते जिहड़ा इंजर्ड जिहदे लगी आ जी उह अमन कुमार आ सानों पूरन प्रकाश, कोई करीब उम्र इहदी 48-49 साल और होस्पिटल एडमिट कराया और बिल्कुल ठीक आ, हुण हालत ठीक आ उहदी। असीं जी इहदे ते परचा जिहड़ा आ 307 ला के परचा दित्ता आ और बंदे नूं फड़ लिया, वैपन बरामद कर लिया और जो हम अगर कानूनी कार्रवाई बनती सारी वो सारी होगी वह भी सारा वेरीफाई कर रहे हैं साढ़े उत्थे दे ACP साहब जिहड़े आ लगे हुए ने SHO लगे ने वो भी सारा जिहड़ा आ जल्दी उन्हें ट्रेस करा। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।